उत्तरकाशी की सिलकियारा सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों को निकालने का अभियान अब अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है। 12 नवंबर को सुबह 4 बजे सिलकियारा टनल में लगभग 41 मजदूर फंस गए थे। अपनी शिफ्ट खत्म कर बाहर आ रहे मजदूरों के सामने टनल ढह गया था। मलबे के कारण वे भीतर ही फंसे रह गए। मलबे की जानकारी के बाद मजदूरों को निकालने का अभियान शुरू हुआ। टनल में 51 मीटर तक की ड्रिलिंग भी कर दी गई। अब मजदूरों तक पहुंचने के लिए केवल 6 मीटर की दूरी ही बच गई है। ऑगर मशीन से 800 मिलीमीटर व्यास वाले पाइप डालने का रेस्क्यू कार टनल के मलबे वाले हिस्से के पास पहुंच गया है। बुधवार देर शाम तक करीब 48 मीटर मलबे वाले हिस्से तक 800 मिलीमीटर व्यास वाले 8 पाइप डाले जा चुके हैं। आखिरी पाइप डाले जाने के दौरान दिक्कत आने की बात कही जा रही है। माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो सकता है। टनल के बाहर मजदूरों को बाहर निकालने के लिए मेडिकल टीम और एम्बुलेंस को तैनात भी कर दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी सिलकियारा टनल पहुंचेंगे। सीएम धामी लगातार उत्तरकाशी में बने हुए हैं। वे टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के पल पल का अपडेट भी ले रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री के भी वहां पहुंचने की सूचना है। वे श्रमिकों और रेस्क्यू अभियान में जुटे अधिकारियों का उत्साह भी बढ़ाएंगे। सिलकियारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए 7 एक्सपर्ट की टीम दिल्ली से देहरादून पहुंची है। बुधवार और गुरुवार की रात करीब 1 बजे ऑगर मशीन के 30 मिलीमीटर मोटे सरिये से टकराने के बाद आई खराबी को दूर करने के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन लेने की योजना बनाई गई। दिल्ली के एक्सपर्ट को बुलाने का निर्णय लिया गया। गुरुवार की सुबह वे दिल्ली से देहरादून पहुंच गए हैं। इसी बीच एनडीआरएफ की टीम ने ऑगर मशीन के आगे बाधा बनी सरिये को काट दिया है। मशीन के ठीक होते ही 800 मिलीमीटर पाइप को मजदूरों तक पहुंचाने का कार्य पूरा किया जाएगा। अब मजदूरों के सकुशल बाहर निकलने को लेकर दुआओं का दौर भी जारी है। देश भर में दुआएं की जा रही हैं। फंसे मजदूरों के परिजन अपने परिवार के लोगों के सकुशल बाहर आने की प्रार्थना कर रहे हैं। इसके अलावा देश भी मजदूरों को बिना किसी क्षति के बाहर निकालने की उम्मीद कर रहा है।